केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुनील मुसेपुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 11 तारीख को कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शहर के मोती चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बीजेपी से बागी हुए रणधीर सिंह कापड़ीवास पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पार्टी को जिताने का कार्यक्रम है, सिर्फ हरियाणा के अंदर इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके अंदर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको जिताने के कार्यक्रम से आ रहे हैं। रणधीर सिंह कापड़ीवास लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं हर जनसभा में। देखिए, मैं भी यही कह सकता हूँ कि इतना बुजुर्ग होने के बाद चला शायद सोच विचार करके लगाना चाहिए था। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं उनका संतुलन बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, नहीं तो पहले कोई किसी कांग्रेसी के साथ किसी और के साथ जो आज के दिन टिकट आती नहीं है, टिकट नहीं मिली है, उनके साथ काटे हैं।